का बेबी मैं हूँ आदुकतों का। अरे बाप रे बाप, डर गया ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं गाइस। वैसे वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहना और सेफ्टी से गाड़ी को चलाने, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, नहीं तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बाइक में यहाँ पर तीन लोग सवार थे और अचानक तीसरा वाला व्यक्ति को पता चल जाता है कि आगे तो पुलिस का चेकिंग है। और इसको अच्छी तरीके से इंडियन लोग के बारे में पता है कि कोई भी बाइक में हार्डली दो से ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे तो वहाँ चलान हो जाएगा। तो ये होशियार इंसान, ये जो समझदार इंसान है, ये क्या करता है, ये तुरंत रिएक्ट करता है और यहाँ पर कूद जाता है, बाइक से कूद जाता है। और इसका दोस्त क्या करता है, बाइक को घुमा देता है और वो लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और बेचारा ये शख्स यहाँ पर पकड़ा जाता है और इसको पता नहीं था कि ये एक टाइप का प्रैंक है और इसका तो जान आधा हो जाता है ये सब कुछ को देख करके। बोला उसको, भागे क्यों, भागे क्यों, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या लगा भाग जाएंगे? हाँ कौन लगा उसको, बोला आ चला, गाड़ी का नंबर बताओ, यूपी से, तो इधर देखो पहले, इधर देखो, भागे क्यों। तो गाइस सच में अगर आप इंडिया में चल रहे हैं कहीं पर भी, तो आपको इन सारी चीजों को देखना है, नहीं तो आपका चलान कट सकता है डेफिनेटली। वैसे भारत सरकार जितना भी रूल और रेगुलेशंस लाती है वो हम लोग के सेफ्टी को देख करके लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो तीन लोड चार लोड, यहाँ तक तो तीन लोड तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक तो कुछ कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो कि 10 लोड 15 लोड तक चला रहे हैं। लेकिन गाइस सच में अगर मेरे अनुसार सरकार भी अगर 3 लोड तक अगर बाइक में अगर लोगों को जाने आने के लिए अगर दे देती है छूट, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा पर्यावरण क्लीन हो जाएगा और यहाँ तक कि जो पेट्रोल का जो आयात किया जा रहा है ये सारी चीज़ भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। खैर गाइस आपका क्या विचार है, आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि बाइक में आपको 2 ही लोग को यहाँ पर बैठने के लिए लीगल किया गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस टाइप का हार्ड डिसीजन लिया है जो कि पहले नहीं लिए थे? चीटिंग 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 करता है तू। पहले तो नियम होता था कि बस आप बाइक में आप 3 लोड हो 4 लोड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अचानक सरकार इस टाइप से डिसीजन लेती है। और आज के टाइम में क्या है कि आप 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर आप बैठते हैं तो आपको चलान कर दिया जाएगा। अब तो ऐसा हो गया कि आपको आगे है या फिर पीछे आप बैठे हुए हैं, आपको दोनों व्यक्तियों को यहाँ पर हेलमेट लेना पड़ेगा अगर आप 2-व्हीलर में हैं, अन्यथा आपको चलान कर दिया जाएगा पुलिस के जरिए। ट्रैफिक पुलिस आपको चलान कर देगी, पीछे जो बैठा हुआ शख्स उसको भी चलान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं यही रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है रैपिडो भी। रैपिडो में अगर कोई अगर बाइक को बुक करता है, कोई ट्रैवल को बुक करता है, तो ऑन दैट कंडीशन आपको भी यहाँ पर हेलमेट को अवेलेबल कर दिया जाएगा रैपिडो की तरफ से, ताकि आप जाएं और कहीं भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर चलान वाला इशू ना हो। तो गाइस इसी टाइप का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।